फिर मारुति सुजुकी ने अपनी नई स्विफ्ट बाजार में उतार दी और अगर इसके लुक्स की बात करें तो ये देखने में बेहद ही खूबसूरत है। ये मारुति की थर्ड जनरेशन स्विफ्ट है और इसको मारुति ने दो ऑप्शन में उतारा है, पेट्रोल और डीजल। आइए जानते हैं इसमें और क्या है खास। इसकी स्टाइलिंग एकदम नई पीढ़ी के टेस्ट के मुताबिक बनाई गई है। अगर आप हेडलैम्प देखें तो LED हेडलैम्प हैं इसके अंदर विद प्रोजेक्टर फीचर, और साथ में इसका एक बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है ग्रिल का। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये बहुत ही डायनेमिक और बोल्ड प्रेजेंस है इसकी रोड के ऊपर, और अंदर हम लोगों ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है, लेंथ भी ज़्यादा है, हाइट भी ज़्यादा है, और अंदर का स्पेस जो हमारी पुरानी स्विफ्ट के मुकाबले में है वो काफ़ी इम्प्रूव किया है हम लोगों ने। और इसके साथ साथ हमने सभी सेफ्टी फीचर्स इसके अंदर दिए हैं, चाहे वो एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम की बात है, चाहे एयर बैग्स हैं और ऑफसेट क्रैश टेस्टिंग है, पेडेस्ट्रियन सेफ्टी है, सभी चीज़ें दी हैं। और उसके अलावा इसकी इंजन परफॉर्मेंस हम लोगों ने इम्प्रूव की है। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी पुरानी स्विफ्ट के मुकाबले में ज़्यादा है। जो पेट्रोल का हमारा फ्यूल एफिशिएंसी रहेगी वो रहेगी तकरीबन 22 किलोमीटर प्रति लीटर, जो कि पुरानी स्विफ्ट के मुकाबले में 8% ज़्यादा है। और जो डीजल की गाड़ी है उसकी हमारी फ्यूल एफिशिएंसी रहेगी 28.4 किलोमीटर, जो पुरानी स्विफ्ट के मुकाबले में तकरीबन 12.8% ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर एक अच्छा पैकेज हमने अपने ग्राहकों के लिए पेश किया है और हमें उम्मीद है कि उन्हें यह पसंद आए। सबसे पसंदीदा गाड़ी तो मुझे स्विफ्ट लगी, मारुति की स्विफ्ट, और बाकी ओवरऑल लास्ट जो ऑटो एक्सपो हुआ था उससे काफ़ी अच्छा था ये। मारुति स्विफ्ट का इंटीरियर बहुत अच्छा लगा, दूसरा उसका जो गेट का डिज़ाइन दिया हुआ है बैक साइड का वो काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी कॉम्पैक्ट है। जो स्विफ्ट अभी जो चल रही है मार्केट में उससे काफ़ी ये कॉम्पैक्ट है। मेरी सबसे अच्छी गाड़ी मुझे लगी मारुति की स्विफ्ट लगी।